नमस्कार, मैं शैलेश आपके साथ फिर आज जुड़ रहा हूं इस सीरीज वॉकिंग विद योर मेंटर में। आज के टॉपिक को मैंने जो उठाया है वो है स्केप वेलोसिटी फॉर स्टूडेंट करियर डेवलपमेंट। बड़ा ही इंटरेस्टिंग और एक्साइटिंग टॉपिक है आजकल के स्टूडेंट्स के लिए जो कि कॉलेज में पढ़ रहे हैं। और मेरे कुछ दिनों में मैंने अपने यूथ्स जो फ्रेंड्स हैं उनके साथ डिस्कस करके उनके क्वेश्चनों को जाना और उन्हीं के क्वेश्चनों को प्रश्नों को मैंने संजो करके मैं आपके साथ जुड़ करके आंसर करूंगा। मैं चार पॉइंट में आज बात करूंगा। पहली जर्नी, पहला पॉइंट है जिसमें कि आप एज अ कॉलेज लर्निंग ऑल थ्रू आउट एज अ जर्नी इज देयर वेरी मच। जब आप स्कूल में पढ़ते हैं या कॉलेज में पढ़ते हैं या आप कंपनी में भी जब काम करते हैं तब ऑल्सो आप यू आर वर्किंग एज अ स्टूडेंट ऑल थ्रू आउट लर्निंग समथिंग न्यू। सो लर्निंग इज द फर्स्ट स्टेज। आगे उसी श्रृंखला को बढ़ाते हुए जब हम करते हैं तो हाउ डू यू टीच समबडी, जब आप सीखते हैं तो कुछ सिखाना भी बहुत जरूरी है, क्योंकि जब आप सिखाते हैं तो आपकी जो सोच है वो गहराइयों में और अच्छी विकसित होती है, नए प्रश्नों का उत्तर आपको स्वयं भी मिल जाता है। उसी श्रृंखला को आगे बढ़ाते हुए जब आप सिखाने करते हैं तो आप अपनी धारणा में उन पॉइंट्स को और उन नॉलेज को अपने उतारना शुरू कर देते हैं और वो आपका व्यवहार और आपकी हैबिट्स बनना शुरू हो जाती हैं। जब आपके सामने सीखना, सिखाना और धारणा बन गई तब देन यू स्टार्ट बिकमिंग अ लीडर एक्चुअली, विच इज वेरी इंपॉर्टेंट टू बी अ करियर फॉर इन अ कंपनी और एज एन एंटरप्रेन्योर ऑल्सो। सो लर्न इट, टीच इट, डू इट एंड लीड इट। जो आज की तारीख में अगर देखेंगे तो एक अपॉर्चुनिटीज इन सारी श्रृंखलाओं को बढ़ाते हुए बहुत खुल जाती हैं आपके सामने जब आप इन चार स्टेजेस को फॉलो करते हैं। क्या ये स्टेजेस एक ही बार आती हैं आपके सामने? नहीं। आप जब किसी इंजीनियरिंग कर रहे हैं, मान लिया एज एन एग्जाम्पल एज अ मोबाइल एरिया में आप काम कर रहे हैं, मोबाइल टेक्नोलॉजी में काम कर रहे हैं, जब आपने माहिरी हासिल कर ली एज अ लीडर तब आप आगे प्रोसेस इंजीनियरिंग में अपनी माहिरी कर सकते हैं और इन्हीं चार स्टेजेस से फिर आगे बढ़ेंगे। दूसरी स्टेज आपके सामने आ सकती है जबकि आपके सामने इंडस्ट्री डोमेन आपका कॉम्पिटेंस आएगा कि मैं बैंकिंग इंडस्ट्री में वही मोबाइल टेक्नोलॉजी बैंकिंग इंडस्ट्री में अप्लाई करूं या रिटेल इंडस्ट्री में अप्लाई करूं और वो भी उन्हीं चार स्टेजेस से आगे बढ़ेगा। आप ये एग्जाम्पल आपके करियर में ये ऑन गोइंग, जब भले आप कॉलेज में रहें या कंपनी में रहें, इट कीप्स ऑन कमिंग इन अ पीरियोडिक साइकिल एक्चुअली। दूसरा पॉइंट इसी टॉपिक पे आगे बढ़ाते हुए, आप क्या अपना करियर उस स्ट्रेंथ पे फोकस कर रहे हैं जो आपके अंदर है या जो एजुकेशन सिस्टम ने आपको बताया है, जो आपका किसी गाइड या टीचर ने बताया है, उन चीजों पे आप फोकस कर रहे हैं जो कि आपकी हो सकता है वीकनेस हो। करियर शुड ऑलवेज बी बेस्ड ऑन योर स्ट्रेंथ, ऑन योर पोटेंशियल। इट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट माई डियर फ्रेंड्स, बिकॉज आप जब अपने पोटेंशियल पे, अपने स्ट्रेंथ पे फोकस करेंगे तब आप उसको बहुत सॉलिड फाउंडेशन में अपने करियर को आगे बढ़ा पाएंगे और आपके जो मेंटर्स, गुरु, पेरेंट्स भी आपको वो फ्लेक्सिबिलिटी प्रोवाइड करेंगे एज अ गाइड। दैट इज हाउ दे विल ग्रो, यू कैन ग्रो इन योर करियर। आज की तारीख में अगर सचिन तेंदुलकर जैसे लोग के पेरेंट्स ने उनको सपोर्ट नहीं किया होता या साइना नेहवाल को उनके पेरेंट्स ने सपोर्ट नहीं किया होता, उनको फ्लेक्सिबिलिटी ना दी होती, तो वो अपनी स्ट्रेंथ्स पे कैसे आगे बढ़ सकते थे। दीपिका पादुकोण बॉलीवुड में बहुत बहुत फेमस हीरोइन, उनका भी यही रोल है, आप जान सकते हैं कैसे उनकी फैमिली ने उनको सपोर्ट किया होगा। सुनीता विलियम्स स्पेस में आज उन्होंने अपना, अपने देश का नाम बहुत रोशन किया है। सब लोगों ने अपनी स्ट्रेंथ पे फोकस करके ही अपने करियर को आगे बढ़ाया है। तीसरे पॉइंट को लेकर के आगे बढ़ेंगे हम आज। क्या आप अपने करियर के लिए जब जिस चीज में फोकस कर रहे हैं, क्या आप उन लाइक माइंडेड पीपल जो आपकी तरह से जो चाहते हैं करियर में, आप उनके बीच में उठते बैठते हैं, उनके साथ चर्चा करते हैं, डिस्कस करते हैं, क्या आप समझ रहे हैं वो क्या क्या सिस्टम्स हैं, इकोसिस्टम है उस करियर में जहां पर आप जाने वाले हैं? अगर आप आर्किटेक्ट हैं तो आर्किटेक्ट के साथ मिलना जुलना और डिस्कशन करिए, जर्नलिज्म में जर्नलिस्ट के साथ करिए, फार्मास्यूटिकल हैं आप, रेडियो जॉकी हैं तो टॉक टू पीपल हु आर पार्टिसिपेट विद देम, उनको ऑब्जर्व करिए, उनकी लाइफ को ऑब्जर्व करिए क्या है, आप उसको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा इनफैक्ट। और चौथे पॉइंट पे आगे बढ़ते हुए मैं उस टॉपिक पे जाऊंगा जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है आपके करियर के लिए फ्रॉम ए स्केप वेलोसिटी पर्सपेक्टिव, वो एक लक्ष्य, एक गोल जिसको लेकर के आप अपनी पहचान बनाना चाहते हैं इंडस्ट्री में, उसको आइडेंटिफाई करिए एंड उसको आगे बढ़ाते हुए उस अर्जुन के एक लक्ष्य की तरह से अपना फोकस, अपनी जो गोल है उसको फिक्स कर लीजिए और एक अपना मेंटर
कृष्णा जैसा मेंटर भी एक ढूंढ करके अपने साथ उसके साथ डिस्कस करिए, अपना एसोसिएशन, अपना संबंध उसके साथ बनाइए, अपना कमिटमेंट उस गोल के लिए उनके साथ डिस्कस करिए। मैं इसका एक आपको छोटा सा उदाहरण इस एस्केप वेलोसिटी के देना चाहूँगा। हम सब जानते हैं जब हम सैटेलाइट लॉन्च करते हैं तो उसको इस पृथ्वी के एस्केप वेलोसिटी से ही बाहर स्पेस में जा सकती है गुरुत्वाकर्षण के अगेंस्ट। जब रॉकेट ऊपर जाता है तो अपने पेलोड को जो कि जो उसको ऊपर प्रोपल करके लेके जाता है उसको वो नीचे छोड़ना पड़ता है। वैसे ही अपने करियर में आगे बढ़ने के लिए कई सारी चीज़ों को हमको भी पीछे छोड़ना पड़ेगा, भले ही वो ईगो हो, अपने ईगो की आप और फ्लेक्सिबिलिटी हो, जिन लोग आप जिन चीज़ों पर आप बहुत कंफर्ट जोन में रहते हैं उनको भी आपको छोड़ना पड़ सकता है। उन चीज़ों को आपको ट्राई करना पड़ेगा जो आपने शायद पहले कभी नहीं की हैं, इनोवेटिव तरीके से, क्रिएटिव तरीके से आप उन चीज़ों को अपनाना पड़ेगा। आगे बढ़ते हुए नए लोगों के साथ अपना रिलेशनशिप और एसोसिएशन बनाना पड़ेगा, क्योंकि जिस भी आप इंडस्ट्री में जाएंगे, जिस भी करियर में, भले आप एज एंटरप्रेन्योर बनाएंगे, एंटरप्रेन्योर बनना चाहेंगे, आपको नए नए लोगों के साथ एसोसिएशन बनाना पड़ेगा, उनके साथ बिजनेस करने के तरीके नए नए ढूंढने पड़ेंगे। एज अ सक्सेसफुल प्रोफेशनल जब आप जाते हैं एज फ्रॉम अ स्टूडेंट टू अ कंपनी। मैं एक बार फिर से जो चार पॉइंट मैंने आपके साथ डिस्कस किए हैं वो आपके साथ समराइज करना चाहूँगा। पहला पॉइंट इज लर्न इट, टीच इट, डू इट एंड लीड इट। सेकेंड इज फोकस ऑन योर स्ट्रेंथ्स। थर्ड इज टू लिव विद द पीपल हु आर लाइक माइंडेड पीपल हु आर गोइंग टू गवर्न योर करियर। एंड फोर्थ टू हैव वन गोल विच इज गोइंग टू डिफरेंशिएट योर सेल्फ, यूनिक डिफरेंशिएशन आपका, अपनी पहचान जो कि एक इंडस्ट्री और कंपनी में बनाएगा। आपके साथ फिर से मैं एक नए टॉपिक के साथ जुड़ूंगा अगली श्रृंखला में, अगली सीरीज में। जब तक अपने प्रश्नों को यहाँ शेयर करते रहिए, इसको लाइक करते रहिए और अपने फ्रेंड्स के साथ इसको इसमें जोड़ते रहिए। नमस्कार।